हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल लर्निंग नीड। एंड जैसा कि आपको पता है कि डेली दोपहर को 3 बजे मैं प्रोवाइड कराती हूँ आपको संस्कृत पैडागॉजी के क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जो लोग चैनल पे न्यू है, वीडियो देखने के बाद प्लीज़ जाते वक्त सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए देखते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। प्रोफेसर यशपाल समिति द्वारा भारम बिना अधिगमनम यानी लर्निंग विदाउट बर्डन, भार के बिना शिक्षा इति नामनी प्रतिवेदन कानिचित अनुशंसनानी कृतानी, निम्नलिखितेषु किम अनुशंसन न। न वर्ड आ गया तो आपको समझ गया है, समझ में आ जाता है कि यहाँ पे क्या पूछा है। एक्चुअली प्रोफेसर यशपाल समिति के द्वारा बिना भार के शिक्षा या सीखना अधिगम की बात हुई है। इस भाग में प्रतिवेदन दिया गया है, ठीक है, कुछ प्रतिवेदन दिए गए हैं। अभी वहाँ पे जो नीचे लिखे हैं बताना है उनमें से कौन सा है जो इसकी अनुशंसा नहीं है। गृह कार्यस्य मात्रा न्यूनी भवेत, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया गतिविधि आधारिता मनोरंजिका च भवेत, पाठ्यपुस्तकेषु प्रतिबंध भवेत, छात्रा भार युक्त स्यूतः न स्वीकुर्यो। जो उसमें शामिल नहीं है वो बताना है, कुछ अनुशंसाएं हैं कौन सी सम्मिलित नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया गतिविधि अधिकता मनोरंजिका च भवेत। यानी कि ऐसा नहीं कहा गया है कि जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है वो एक्टिविटी बेस्ड हो और मनोरंजन बेस्ड हो, मतलब उसमें फन भी हो, ये सारी चीज़ें इसकी अनुशंसाओं में शामिल नहीं है। बाकी जो, क्योंकि सिर्फ इसकी बात हो रही है लर्निंग विदाउट बर्डन, तो इसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें हैं कि भाई गृह कार्य की मात्रा कम हो, ठीक है, पुस्तक जो है वो भार से हुई, मतलब कि बैग जो है बच्चों का बहुत भारी ना होगी, बहुत सारी बुक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग सब कुछ अरेंज हो, इस तरह से ये सारी चीज़ें बातें की गई हैं। प्रभावी अधिगमनाए छात्रा की दृशा भवेयु, ओके, जिज्ञासा पूर्णा सक्रिया च आज्ञाकारिण परीक्षा कृते सज्जता मौन व्रत धारणा निष्क्रिया च। बोल रहा है प्रभावी अधिगमन के लिए छात्रों का कैसा होना चाहिए, किस टाइप की होनी चाहिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे सही आंसर जो हो जाता है वो हो जाता है आपका जिज्ञासा पूर्णा सक्रिया च, यानी कि जिज्ञासु होने चाहिए सबसे बड़ी बात, और साथ में ही सक्रिय भी होने चाहिए, तभी जो है अधिगम वो प्रभावी ढंग से हो पाएगा। क्योंकि जब बच्चा ही एक्टिव नहीं हो तो हम बहुत सिखा रहे हैं कोई मतलब नहीं है, सीख तो रहा नहीं है। निम्नलिखितेषु किम कथनम असत्यम, इनमें से कौन सा कथन असत्य है। स्वायत्त शिक्षार्थिनः ते एव ये, तो यहाँ पे बोल रहा है कि स्वायत्त शिक्षार्थी वे होते हैं जो, अब आगे देखना है ऑप्शन, स्व अधिगमनाय स्व उत्तरदायित्वम स्वीकुर्वन्ति, अधिगमनार्थ गतिविधीनाम आयोजनम क्रियान्वयन च कर्तुम उद्यता भवन्ति, अधिगमनस्य एतस्य च प्रभाविताया च निरंतरम समीक्षा कुर्वन्ति, केवलम अनुमोदित पुस्तकानि एव स्रोतो रूपेण स्वीकृत तेषु प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि अधिगच्छन्ति पूर्णतया च अभ्यासान कुर्वन्ति। ऑलराइट, तो फटाफट से समझ लीजिए, देख लीजिए और करेक्ट आंसर गेस कर लीजिए करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे जो होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, स्व अधिगमनाय स्व उत्तरदायित्वम स्वीकुर्वन्ति, यानी कि स्वायत्त शिक्षार्थी वो होते हैं जो अपने द्वारा सीखने के लिए स्वयं को उत्तरदायी स्वीकार करते हैं। यानी कि जो छात्र स्वयं से सीखते हैं और किसी की सहायता नहीं लेते वो स्वायत्त छात्र कहलाते हैं, अपनी जो भी लर्निंग है उसके लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। निम्नलिखितेषु किम छात्र केंद्रित भाषा कक्षा लक्षणम न मन्यते, नीचे दिए गए लक्षणों में से कौन सा जो है वो छात्र केंद्रित यानी चाइल्ड सेंटर्ड भाषा कक्षा के लक्षण नहीं है। शिक्षका निर्दिशति इच्छति च यत छात्रा तदनुवर्तनं कुर्यु, गलत मैंने प्रोनाउंस कर दिया उसको, सॉरी, अनुशासिता च भवेयु, बाला लक्ष्य भाषा अंतःक्रियां कुर्वन्तः व्यक्तिशः समूहे व कार्य संपादयन्ति, शिक्षकः स्वगतिविधियुक्त शिक्षणेन सह मूल्यांकन संयोजयति, बालाः लक्ष्य भाषा प्रयोगार्थं संबंधेषु विभिन्न गतिविधिषु कार्येषु च प्रतिभागिना भवन्ति। ऑलराइट, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो सही आंसर हो जाता है वो क्या हो जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिक्षक निर्देशित, इसका ओवरऑल सेंस मैं आपको बता देती हूँ,
कि शिक्षक निर्देश देता है कि निर्देशन करता है और चाहता है कि छात्र उसी अनुरूप कार्य करे जैसा वो चाह रहा है और अनुशासन में रहे। तो ये जो है वो छात्र केंद्रित भाषा कक्षा का लक्षण नहीं है। बाकी जितने हैं वो छात्र केंद्रित भाषा कक्षा के लक्षण होंगे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि टीचर को ही मेन बना दिया गया है, टीचर की इच्छा से सब कुछ हो, तो सीधी सी बात है ये शिक्षक केंद्रित हो गया। एकस्य प्रभावी भाषा पाठस्य आरंभ ब्लैंक भवति। ऑलराइट, क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है कि एक प्रभावी भाषा पाठ का आरंभ कैसे होना चाहिए, कैसे होता है। ठीक है, पाठस्य पाठ सामग्री या प्रस्तुति द्वारा मनोरंजक गतिविधि नाम अनुस्मरणेन अभिप्रेरणया च श्याम पट्टो परिलेखनेन पाठस्य अधिगमनात्मक देशानाम सूची निर्माणेन। किस तरह से आप एक जो है वो प्रभावी भाषा पाठ का आरंभ करेंगे, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे जो सही आंसर होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, पाठस्य अधिगम। ओके, इसका सेंस मैं बता देती हूँ कि कोई भी नया पाठ आरंभ करने के लिए, प्रभावी भाषा पाठ आरंभ करने के लिए, पाठ का अधिगमनात्मक उद्देश्य के लिए एक सूची तैयार करना होता है, यानी कि हमारा इसमें ओवरऑल टारगेट क्या है, जिसमें सीखने के उद्देश्य को समाहित करना चाहिए कि हम क्यों सिखा रहे हैं, जो चीज़ सीख रहे हैं। तो इस प्रकार इसके लिए एक सूची का तैयार करनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से आपको एक प्रभावी भाषा पाठ आरंभ करना चाहिए। हालांकि ग्राउंड लेवल पे ऐसा कोई करता नहीं है, जो हम लोग लेसन प्लान बनाते हैं उसमें भी ये सारी चीज़ें रहती हैं कि उद्देश्य रहता है हमारा, सब कुछ रहता है उसमें, हमें मेंशन करना होता है। लेकिन ठीक है, ग्राउंड लेवल पे क्या कितना होता है वो सब ट्रेनिंग तक सिमट के रह जाता है। लेकिन कई सारे स्कूल जो है, स्पेशली प्राइवेट स्कूल, इसको फॉलो भी करती हैं, रेगुलर बेस पे लेसन प्लान बनवाती भी हैं। एनीवेज, गवर्नमेंट का भी मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षणे उपयोग रूढ़ शब्दों यथासंख्यम एतत् सूचयता। बोल क्या रहा है कि संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण में उपयोग रूढ़ शब्दों, ठीक है, या फिर जो उसकी संख्या जो कुछ भी है, ये सारी चीज़ किस चीज़ को सूचित करती है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि शास्त्रम व्याकरणम च, यानी कि ये शास्त्र और ध्वनि शास्त्र और व्याकरण को सूचित करती है। व्याकरण के अभ्यास द्वारा ही संस्कृत पढ़ाई जाती है, ध्वनि शास्त्र का ज्ञान कराया जाता है ताकि सही प्रोनाउंसिएशन लोग कर सकें, उच्चारण सही कर सकें। ये दोनों रूढ़ शब्द संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण के लिए उपयोगी हैं, ये दो चीज़ आनी ही चाहिए। संप्रेषणात्मक मतलब कम्युनिकेटिव लैंग्वेज, जिसमें आप बात भी कर सकें। संस्कृत तो वैसे सभी लोग पढ़ लेते हैं, एग्जाम भी दे देते हैं, पास भी हो जाते हैं, लेकिन आप संस्कृत में पास होने से मतलब ये बात भी कर सके, संप्रेषण कर सके, इसके लिए दोनों का ज्ञान होना आवश्यक है। भाषा शिक्षणे नियंत्रणम नाम। ऑलराइट, क्वेश्चन बोल रहा है भाषा शिक्षण में नियंत्रण का नाम इस प्रकार है, लक्ष्य भाषाया निरर्गलोपयोग परिवीक्षित भाषा शिक्षणम उपाध्याय नियंत्रित भाषा शिक्षणम यथार्थताम निर्धारितुम व्याकरण उपयोगे। व्याकरणस्योपयोगः, ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पे जो होता है वो क्या होता है, इसका सही आंसर होगा आपका यही ऑप्शन नंबर डी ही सही हो जाता है, कि इसका अर्थ ये हो गया कि यथार्थता निर्धारण करने के लिए व्याकरण का उपयोग किया जाना। ये हो गया भाषा शिक्षण में नियंत्रण, जो वर्ड यूज किया जाता है वो यही, कि व्याकरण सम्मत हो चीज़ें, लैंग्वेज आपकी। चित्रांकने पै चार्ट, यानी कि पाई चार्ट मध्य च प्रदत्तम विषयम उपयुज्य प्रबंधम रचयितुम यदा छात्रा निर्दिष्टा तदा प्रधानोद्देश्यम भवति। आई थिंक ये क्वेश्चन जो है वो पहले भी मैंने शायद समझाया है, पता नहीं, पर ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है देखकर, आई डोंट नो संस्कृत में था कि हिंदी में था, बट यस, हाँ, ये क्वेश्चन हमने देखा है कि जब हम छात्रों को चित्रांकन में पाई चार्ट का प्रयोग करके कोई भी चीज़ को, सब्जेक्ट को या उससे रिलेट करके पढ़ाते हैं, तो यहाँ पे मेन उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शंस देख लीजिए, विविध तंत्र विस्तृताध्ययनम प्रशंसा द्वारा सृजनात्मकता पोषणम शब्दावल्या पोषणाय साहित्य कौशलानाम प्रवृद्धि चित्रांकनत शब्द रूपेण विषयाणाम परिवर्तनम। और यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, चित्रांकनत शब्द रूपेण। ओवरऑल इसका सेंस ये निकलता है कि इसका प्रमुख उद्देश्य चित्रांकन का शब्द के रूप में विषयों को परिवर्तन करके पढ़ाना होता है। यदा अध्यापिका अवगमने क्लेशान न्यूनतान च ज्ञातुं परीक्षा करोति त
तादृशी परीक्षा एव भवति। सिद्धिपरीक्षा, नैपुण्यपरीक्षा, निदानात्मक परीक्षा, उपचारात्मक परीक्षा। जब अध्यापिका आती है और जो भी मतलब प्रॉब्लम होती है क्लास में, ठीक है, जो भी समस्या आ रही है, ज्ञान की न्यूनता है, इस सब की परीक्षा करती है ताकि वो उसकी उनकी कमियों का पे विचार कर सके कि क्या प्रॉब्लम आ रही है क्लास में, तो वो कौन सी परीक्षा होगी ये बताना है। करेक्ट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपचारात्मक परीक्षा। छात्रा कथाया अंत परिवर्त्य कथां पुनर्लेखितुं यदा निर्दिश्यन्ते तथा प्रधानोद्देश्यः। देख लीजिए फटाफट से, कक्षा के अंत में जब छात्रों से परिवर्तन करके कथा को लिखने की, यानी कि लास्ट में जब हम लोग कहते हैं कि स्टोरी का क्लाइमेक्स जो है, एंडिंग है, वो चेंज कर दो, तो यहाँ पे ये इस निर्देशन का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शंस देखिए एंड रिप्लाई करिए जल्दी से सभी लोग। प्लीज़ जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो, तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, काफ़ी मेहनत लगती है इसको बनाने में प्लीज़। और जो लोग चैनल पे न्यू हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, बस एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाया करेंगे हमारी लाइव क्लासेस के। तो देख लीजिए, इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, छात्र सृजनात्मकता वर्धन, यानी कि छात्रों की सृजनात्मकता, रचनात्मकता शक्ति को बढ़ाना इसका मेन उद्देश्य होता है। सो आई जस्ट होप आपको वीडियो पसंद आएगा, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।